हेलो फ्रेंड्स, विनय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो नई वैकेंसी आई हुई है एनटीपीसी, उसके बारे में। तो टोटल इसमें 130,000 है, बट अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है, जिसमें कि स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सुपरिटेंडेंट। इसके साथ है स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। और इसके अलावा लेवल वन के पोस्ट है, जो कि अलग है। तो अब तक की जितने हम लोग वैकेंसी पोस्ट पढ़ रहे थे, ये है 30,000, इसमें टोटल सीट है 30,000। और अब जो लेवल वन की पोस्ट है उसमें है 1,00,000। तो उसमें क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, हेल्पर असिस्टेंट इन वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड अदर्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, असिस्टेंट पॉइंट मैन एंड लेवल वन पोस्ट इन अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये सबको मिलाकर 1,00,000 वैकेंसी है, और जितने की आरआरबी एनटीपीसी के लिए है उसमें टोटल 30,000 है। तो आइए देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग डेट दिया गया है। जैसे कि अगर आप एनटीपीसी के लिए करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप 28 फरवरी से शुरू कर सकते हैं फॉर्म फिल करना। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए करना चाहते हैं, तो इसके लिए 4th of March 2019। इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए करना चाहते हैं फॉर्म फिल, तो इसके लिए है 8 मार्च 2019। और अगर आप माने ग्रुप लेवल वन के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए 1,00,000 अलग से वैकेंसी है, तो वो है 12th मार्च 2019। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डेट दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए आपको कौन से कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करना है, तो आप उस डेट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीस क्या है। तो फीस इसमें है 500 रुपीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी, और एसटीएससी कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए एंड वुमेन्स के लिए है 250 रुपीज। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है।